नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी। आज सुबह हमने एक आपको वीडियो से रूबरू कराया था जिसमें मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी क्रिस लिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका एक टकराव देखने को मिला था। उन्होंने कहा था कि वो जब उनकी राशि का जो आईपीएल से जो कमाते हैं 10% राशि जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जाती है तो उनके लिए चार्टर्ड विमान की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती सुरक्षा कारणों से। जिस तरह का यहाँ का माहौल है, जिस तरह के हालात हैं, उसके हिसाब से आईपीएल के बाद उनके लिए चार्टर्ड विमान की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है एक डेवलपमेंट, बड़ा डेवलपमेंट देखने को आया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार की तरफ से। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने एक तरह से प्लेयर्स की इस मांग को खारिज कर दिया है। जी हाँ, एक तरह से ठेंगा दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को अपना अरेंजमेंट खुद करना होगा। आईपीएल समाप्त होता है उसके बाद वो स्वयं आए। और हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ये व्यवस्था की है कि भारत से आने वाली जितनी भी उड़ान है उन पर रोक लगा दी गई है 15 मई तक के लिए। और उसके बाद जो है क्या स्थिति होगी उसके बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। और हम आपको बता दें कि आईपीएल में 23 मई तक लीग मैचेस होंगे, फिर 25 और 28 मई को क्वालिफायर्स होंगे, एलिमिनेटर होगा उसके बाद 26 को, इन बिटवीन 26 तारीख को एलिमिनेटर होगा, 30 तारीख को फाइनल मैच खेला जाएगा। हालात अगर यही रहते हैं तो ये खिलाड़ी वापस कैसे जाएंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका कहना है कि ये टीम जो है एक निजी दौरे पर गई हुई है, अपना ये ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम नहीं है। और इसके कुछ खिलाड़ी अगर नेशनल टीम के गए भी हैं तो उनको इसका इंतजाम खुद करना होगा। तो ये एक बड़ा टकराव खिलाड़ियों और सरकार के बीच में देखने को आया है। और वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। 14 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के अभी आईपीएल में खेल रहे हैं। इन खिलाड़ियों के में जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, खासतौर पर जिनके आप नामों से वाकिफ भी हैं, स्टीवन स्मिथ हैं दिल्ली से, और डेविड वार्नर जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं, और उसके अलावा पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया के जो केकेआर से खेल रहे हैं, और रिकी पॉन्टिंग कोच, और दूसरे कोच साइमन कैटिज जो आरसीबी के कोच हैं, रिकी पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल से ताल्लुक रखते हैं, माइक हसी, डेविड हसी, और भी ना जाने कितने नाम हैं। और तो और कमेंटेटर्स भी फंसे हुए हैं इस पूरे मामले में, वो भी फंसे तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फिलहाल इसकी कमेंट्री कर रहे हैं। और वो भी चाहेंगे कि चार्टर्ड विमान से उनको सुरक्षित घर पहुंचा दिया जाए आईपीएल के आयोजन के बाद, और उसमें मैथ्यू हेडन और बैटली के नाम लिए जा सकते हैं जो इस आईपीएल की कमेंट्री कर रहे हैं। माइकल स्लेटर भी हैं, वो भी, उनका भी एक नाम है। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो एक टकराव है इसका हल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास तो फिलहाल नहीं है क्योंकि वो मूक दर्शक बन गई है सरकार के इस बड़े फैसले के बाद। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में, अपनी राय से हमें रूबरू जरूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।